फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। शहडोल जिले के जयसिंह नगर की भाजपा प्रत्याशी मनीषा सिंह के विरोध में भारतीय जनता पार्टी गोहपारू की महिला मंडल अध्यक्ष फूलमती सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्तमान में फूलमती सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा की गोहपारू महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। भाजपा की फूलमती सिंह ने जैतपुर की वर्तमान विधायक और जयसिंह नगर की मौजूदा भाजपा प्रत्याशी मनीषा सिंह और उनके पति को लेकर सवाल खड़ा किया है। फूलमती ने मनीषा सिंह को लेकर कहा कि ये जयसिंह नगर विधानसभा से नहीं है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। वहीं जैतपुर विधानसभा में 5 साल निकल गए पर जनता विकास कार्य को तरस गई थी। जैतपुर विधानसभा में निर्माण कार्य में मनीषा सिंह के पति हर काम में हस्तक्षेप करते हैं। क्षेत्र में जनता सड़क बिजली पानी को तरस गई। अब भाजपा ने उन्हीं मनीषा सिंह को जयसिंह नगर से प्रत्याशी बना दिया है। इस क्षेत्र में भी मनीषा वही हाल करेंगी, इसलिए स्वसहायता की दीदियों ने मुझे विरोध करने के लिए कहा है, इसलिए मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 21 तारीख के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो स्वसहायता समूह की दीदियों से पूछकर दावेदारी भी करूंगी, क्योंकि मेरे पास स्वसहायता समूह की 61,000 दीदियां हैं। इनका कहना है कि जयसिंह नगर की 29 पंचायत के 414 स्वसहायता समूह की फूलमती स्वयं अध्यक्ष हैं, जिसमें 61,000 स्वसहायता की दीदियां हैं जो इनके समर्थन में दिन रात खड़ी हैं। वहीं फूलमती ने कहा कि अगर जयसिंह नगर में भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बदला तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में सामने आएंगी। शहडोल से कमलेश दाहिया की रिपोर्ट। मैं अपने स्वसहायता समूह की दीदियों को मांग को लेकर ये पत्रकार वार्ता की है। दीदी ने जो सपना देखे थे कि हमारे स्वसहायता समूह की दीदी आगे बढ़े ताकि हमें भविष्य में काम आए, इसलिए वो दीदियों के लिए मैं ये पत्रकार वार्ता रखी हूँ। मुद्दा यही था जो बाहरी प्रत्याशी यहाँ चयनित किए हैं, यही मुद्दा था। लोकल प्रत्याशी का नाम बताइए ना। नाम सबको पता है आपको? नाम आप कर रहे हैं, नाम नहीं बता पा। मनीषा सिंह जी। क्या क्या हुआ, क्या है सब पूरा डिटेल में बताइए। हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन वो बाहरी प्रत्याशी है। यदि आप घर बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप घर बनाते हैं, इतना मेहनत से बनाते हैं, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, और घर बनाकर किसी किराएदार को दे दीजिए, फिर 5 साल अगर वो किराएदार चले जाएंगे तो वो घर को देखिए क्या हालत रहेगा। इससे अच्छा है आप क्या चाहेंगे, खुद रहना चाहेंगे कि किराएदार से देना चाहेंगे, आप ही बताइए। आपका सीधे कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। जी जी। जयसिंह नगर विधानसभा से ही व्यक्ति चाहिए। जी जी।